और अब बारी है हमारे अनबॉक्सिंग करने की। ये क्या है? चप्पू। ये इसकी कुछ ऐसा कैटलॉग। ये इसका बड़ा वाला ढक्कन है। सामान तो काफी ज्यादा यार, इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा मिल रहा है इस मिक्सर के अंदर। ये तो अचानक से हमें मिल गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नया व्लॉग, एक और नए प्यारे से दिन की शुरुआत। और दिन की शुरुआत होते ही हमारी एक बहुत बड़ी समस्या, समस्या का समाधान ये है। यहाँ पर कुछ काफी सारा सामान लिखा हुआ है यार। सामान क्या क्या है? ये सामान है हमारा मेन्यू कार्ड, बस इतना सही मेन्यू कार्ड है। ये बड़ा बनाओ ना यार। वो मैंने तो 27 डिशेज है, क्या बनाना है इसमें डिसाइड करो। सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार खाना क्या बनाया जाए घर के अंदर। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ये हमारी, नहीं पता नहीं किस किस की यार, दिमाग में नहीं आता ना ऐसा। तो पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। दही बड़े बनाओगे? दही बड़े बना लो। आज हमें वैसे ही जाना है मार्केट, मार्केट से आज हमें मिक्सर फाइनल करके लानी है, क्योंकि घर में मिक्सर नहीं है ना, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ना हमें शेक मिल रहा पीने के लिए, और ना ही हमें ढंग की चटनी मिल पा रही है, ना हमें अचार मिल पा रहा ढंग का। मतलब अचार तो है, मतलब समझो यार भावनाओं को। तो इसलिए आज सबसे पहला हमारा टास्क ये होगा, ब्रेकफास्ट करने के कुछ ही देर के बाद हमें जाना है मिक्सर निकलवाने। मिक्सर देखते हैं कैसे मिलती है यार। मैं वहां नहीं जाऊंगा विजय सेल्स पे, क्योंकि वहां से फोन नहीं आया। तो मिक्सर हम निकलवाने जाएंगे 4-5 बजे के करीब हम जाएंगे। सबसे पहले तो हमें खाना चाहिए होगा ना। एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, 2-3 आलू 3-4 आलू लेके कतली बना लो, सबसे बढ़िया है यार। क्या बनाए फिर बताओ, तो कुछ और देख लो फिर। मेरा बस चले ना, ये सामान अगर खराब ना हो तो मैं इकट्ठा लाके भर दूं पूरे महीने भर का, मगर क्या कर सकते हैं, रोज रोज ताजा सामान लेके आना पड़ता है। बताओ माइशु आज क्या बनेगा घर पे, बताओ। जल्दी से बताओ क्या बनेगा घर पे। अपने में मगन है, पता ही नहीं है कुछ। 2 दिन से तुम घूमने नहीं गई हो कहीं पर, पिटाई लगेगी अब तुम्हारी। खड़ी हो, चलो आओ, आजा। तैयार है खड़े होने के लिए? पहले मैं लेके आ रहा हूँ ब्रेकफास्ट का सामान। छोड़ो बाहर में गया खाना, आज नहीं खा रहा हम खाना, आज खा ही नहीं रहा हम खाना, स्किप कर देते हैं आज का खाना। यही सब करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। छोले भटूरे खाओगी? छोले भटूरे लेके आ रहे हैं। स्वीटी अपने किटन्स को लेके बैठी है आराम से। अरे यार ये फीड करते रहते हैं दिन भर में, क्या काम है इनको, बस यही सब काम बाकी रह गया। चल तू बैठी रहे यार, तू करा ले आराम से। बड़े बड़े हो रहे हैं देखो, अब ये वाला भी ब्लू आइस है, वो वाला भी, दोनों ही ब्लू आइस हैं ये किटन्स। और अच्छे अब चलना फिरना इन्होंने शुरू कर दिया है, हल्की सी कपकपाहट है, वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। अभी वैसे इनको टाइम ही कितना हुआ है, 19 दिन के तो ये हुए हैं कुल। भाई प्रॉपरली जब सही होंगे ये, तकरीबन 1 महीना 35 दिन के हो जाएंगे ना, बिल्कुल अच्छे से चलेंगे फिरेंगे। देखो देखो कैसे घुस रहा है अंदर, मतलब ना अब तो लिटरली वो ब्लैक वाला जो है, ये वाला तो बाहर आके गिर जाता है, मगर इसको अंदर रखना पड़ता है बार बार उठा के, ये नहीं आता है। मैं चलता हूँ पहले ब्रेकफास्ट का सामान लेने। छोले भटूरे लेने में आ चुका हूँ फिलहाल बाहर, आज धूप निकल रही है बहुत तेज। देना भाई 3 भटूरे। फाइनली हमारा सामान आ गया है, छोले भटूरे और दूध। की देखो इतनी गौर से, पिछले 3-4 दिन से मौसम बड़ा लाजवाब था, आज ही गर्मी होनी थी, बाहर जाना है ना आज इसलिए। क्यों आयशो सही कहा ना, तुम्हें भी गर्मी लग रही है, एसी चलाया जाए। नहीं, फाइनली निकल चुके हैं अपने गर्मा गर्म छोले भटूरे, 3 भटूरे लेकर आया। चलो खाओ फिर, खा के मिलते हैं। अब हमारी मायशा पूरी प्रॉपर रेडी हो चुकी है, और हम भी हो गए हैं जाने के लिए रेडी। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा मैंने काम हैंडल कर लिया था, अपने आप को बॉडी को रेस्ट देके, और फिर अब समय हो चला है शाम के 5:30 बजे। एंड हमें कौन से शोरूम से निकलवाना है ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, करोल बाग जाना है या फिर कहाँ। अभी बाहर जैसे जाएंगे ना सिचुएशन पता चलेगी। इतना टाइम लगाओगी यार, आओ जल्दी। हमेशा मैं रेडी होकर पहले खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हें टाइम लगता है हर बार की तरह, इस बार भी तुमने लेट। पैसे मैंने ले लिए हैं पूरे 4,000 रुपए, अगर कम भी पड़ेंगे तो अकाउंट से कर लूंगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। EMI पे निकलती है, EMI पे निकाल लेंगे, बिकॉज रिकॉर्ड का मैटर है, ताकि रिकॉर्ड हमारा ठीक हो जाए। क्या डॉक्यूमेंट्स रख लो? चलो हमारी शू चल रहे हैं घूमने, आ जाओ आज भी। अभी आए हैं हम यहाँ लॉर्ड का माल देखने के लिए। ये मिक्सर है, मतलब इसका नया पीस निकालेंगे ये फिलहाल तो। गमले भी लगे हैं भाई मस्त मस्त यहाँ पर, देख लो जो पसंद आए। हमने फाइनल कर लिया ये वाला पीस, इसका नया पीस निकलवा रहे हैं। तो बहुत सारा सामान है यार यहाँ पर, बहुत सारा। ये क्या है, चटनी वगैरह के लिए, फ्राई पैन वगैरह। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे घर के पास में काम हो गया यार। ये चीज़ मुझे मस्त लग रही है लेने, मुझे गैलरी के लिए ये वाले। इतने बड़े का क्या करेंगे हम, छोटे छोटे बहुत हैं, मगर वो अच्छा लग रहा है मुझे लटकाने वाला गैलरी पे। इनके पास तो बहुत सारा सामान है, कौन सा, ये वाले ग्लास। फाइनली अब टाइम आ गया इसको ले जाने का, हमने फाइनल कर लिया ये वाली, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे घर जाके। सामान लेके निकल गए, मगर अच्छी बात ये है कि हमारे घर के पास में ही काम हो गया, ज़्यादा हमें दूर जाना नहीं पड़ा। तो हमारा सामान अभी कुछ इस तरह से लोडेड है, मुस्कान का पर्स भी है, हेलमेट भी है, और अब डायरेक्टली घर पहुँच के मिलते हैं, बहुत तेज़ी के साथ में निकलते हैं।
स्वीटी क्या क्या करा तूने आधे घंटे में? किटन्स कहाँ है हमारे? वो रहे छोटे छोटे से पड़े हुए। फाइनली हमारा मिक्सर आ गया यार, बहुत वजन है यार इसके अंदर तो। चलो ये काम भी सही हो गया, घर के पास में से काम हो गया, वरना हमें जाना पड़ता करोलबाग। करोलबाग हमारे घर से पड़ता है अप्रोक्स 22 से 23 किलोमीटर, और यहाँ पर हमारा 2.5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर काम हो गया। घर में कोई भी नया नया सामान आता है तो ये आके सूंघते हैं क्या है। अरे डॉगी थोड़ी हो तुम, कैट हो तुम, छोटी सी। बड़ी हो गई है मगर अभी तक हरकतें बच्चों वाली हैं इसकी। छोड़ो देखो बचपन में खेलती थी अभी फिलहाल हो चुका है हमारा खाना खाने का टाइम, 7:15 बजे हमारा लंच हो रहा है लंच, और लंच में होने वाला है परांठे चटनी। खाना खाने में इतना लेट यूं हुआ कि हम चले गए थे मिक्सर लाने के लिए, मिक्सर लाने में हमें 1.25 घंटा लगा, फिर हम वापस आए, फिर मुस्कान ने परांठे वगैरह बनाए, और परांठे बने हैं अंडे के, यानी कि बीच में अंडा है और साथ में परांठा और चटनी, मजा आने वाला है खाने में। क्यों मायशू सही है, फर्स्ट टाइम घर पे परौंठे बने मगर मजा आ गया खाने में। नीचे बैठ के खाता हूँ, चेयर पे बैठ के खाने में सबर नहीं आता यार, अपने को नीचे मजा आता है फर्श पे बैठ के खाने में। अभी का तो सीन ये है, खाना खा के बिल्कुल परौंठे खा के बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गए हैं, और अब बारी है हमारा अनबॉक्सिंग करने की। ये क्या है चप्पू यार, पता तो मुझे भी नहीं है वैसे। पता लग जाएगा बाद में। ये इसकी कुछ ऐसा कैटलॉग जो किसके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, बायोडाटा, इसको पढ़ेंगे बाद में, ज्ञान की बात है। ये क्या है, इसके कैप, ऊपर के ढक्कन, ये इसका बड़ा वाला ढक्कन है। सामान तो काफी ज्यादा यार इसके अंदर, फीचर्स बहुत ज्यादा मिल रहा है इस मिक्सर के अंदर, ये तो अचानक से हमें मिल गई। प्लेट कौन सी है ये? ये वो होंगे ना ब्लैट टमाटर वगैरह जो खीरा वगैरह जो कट करने के लिए है, काफी बढ़िया है ये भी, निकालो इसको भी। और ये क्या है? हाँ ये उसकी ग्राइंडिंग के लिए ना नीचे, बढ़िया रहेगा यार, ये भी काफी हेवी है। ये इसका मेरे ख्याल से ढक्कन है ऊपर, ये समझना पड़ेगा इसका पूरा फॉर्मेट, वो है ना ज्ञान की बात, इसमें से देख के। और कुछ इसके अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने सारा इसका बायोडाटा दिया हुआ है, जो भी इसका बायोडाटा है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इसमें हम 12 कट्स लगा सकते हैं, तो काफी मस्त है यार ये तो। हालांकि हमें यूज करने के बाद पता लगेगी। हाँ ये इसका है ना, इसका ढक्कन हेवी ग्राइंडिंग का, इतनी सारी चीजें। सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये है कि अगर हम चाहें आटा जो हम हाथ से गूंथते हैं थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर हम थोड़ा बहुत आटा वैसे ही गूंथ सकते हैं, मतलब इसमें आटा डालो, पानी डाल दो और इसको घुमा दो, ऑटोमेटिकली आटा अपने आप पीस देगा। ये काफी बढ़िया चीज है, ये तकरीबन इसके अंदर हम 1 किलो तक आटा गूंथ सकते हैं, 1 से 1.5 किलो नहीं, 1 किलो ओनली, 1 किलो बोला है। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी अभी तक, थोड़ा बहुत आटा अगर गूंदना हो तो इसके अंदर आराम से गूंद लो। और क्या है, ये है इसका बड़ा जग जिसके अंदर हम शेक वगैरह बना सकते हैं, ये भी काफी हेवी क्वालिटी का यार, काफी बढ़िया है ये, मुझे तो मस्त लगा भाई। जूस छानने के लिए, मतलब जैसे अगर दाने आए थे तो इसमें डाल लो, इसमें डाल के और ऐसे करके निकाल लो ना, बीज सारे ऊपर रह जाएंगे और यहाँ से हमारा जूस निकल के आ जाएगा। क्या बात है यार, बढ़िया लग रहा है, समझना पड़ेगा काफी, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, समझने के लिए 1 महीना लग जाएगा तुम्हें तकरीबन, 6 महीने लगा सकती हो। और ये क्या है इसके अंदर, मेरे ख्याल से ब्लेड्स हैं, निकालो इधर से निकालो ना भाई साहब, ये बहुत सारे ब्लेड हैं, ये पूरे 72 सामान गए, 72 है, गिनती कर लो, देख लो कितने सारे सामान है, एक एक करके ढक्कन अलग गिनो, ये अलग गिनो, ये अलग गिनो, ब्लेड ये सब अलग अलग में काउंट होंगे, इसमें कितने सारे ब्लेड हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं, प्याज काटने के लिए, टमाटर काटने के लिए और खीरा वगैरह काटने के लिए, काफी कुछ इसके अंदर हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, किसी और चीज की जरूरत नहीं है भैया, सही है इसको उसी में रखो। और क्या है इसमें, अरे इसमें भी ग्लास है, ये छोटा चटनी के लिए होता है ना, ये भी काफी मस्त है, छोटा सा चटनी के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें एक खास बात हो रहा है वो बताऊंगा अभी, पहले ये निकाल लो अच्छे से, ये वाला भी चटनी के लिए, ज्यादा चटनी हो तो इसके अंदर हम ग्राइंड कर सकते हैं बस। और अब बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो की है इसकी मोटर, मेन काम इससे ही होता है, ये नहीं हो तो सब बेकार है। ये काफी हेवी है, 750 वाट में लिए, 750-800 वाट आराम से कवर कर लेगी इसमें। अब सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि जैसे हमारा एक ग्लास होता है, इस ग्लास को हमने इसके ऊपर रख दिया है ना, कोई बच्चे बच्चे होते हैं चला देते हैं, हमने ढक्कन हटाया हुआ है, बच्चे ने घुमा दिया, तो अगर हम इसको बिना ढक्कन के चलाएंगे ये चलेगी नहीं भैया, ये ऐसे ही रहेगी, चलेगी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यहीं कहीं पर है ना एक स्विच दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली, हाँ ये रहा, ये ढक्कन लगाने पे ना ऑटोमेटिकली स्विच लग जाता है, तुम होम थिएटर वाले में लगा लो, नहीं चल रही ना बेटा, ये वही है पोजिशन, तुम्हें दबाना पड़ेगा, ये दबेगा, बहुत बढ़िया, बस इतना बहुत है। तो ये सबसे मुझे बढ़िया लगा, काफी अच्छा लगा ये मुझे, जैसे कि अगर हम ढक्कन हटाते हैं चटनी वगैरह पीस से, अगर सपोज कोई बच्चा आ गया उसने यूं करके घुमा दिया ना तो ये चल जाती है, मतलब अगर हम ढक्कन ऊपर से नहीं लगाएंगे ना, ऊपर का ढक्कन जैसे लगेगा ना वो इस बटन को पुश करेगा अंदर, तो जैसे बटन अंदर पुश होगा वैसे अगर यहां से हम चलाएंगे तो डेफिनेटली चलेगा, ये सबसे बढ़िया फीचर लगा मस्त। बाकी और तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है अभी फिलहाल, तो जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे हमें पता लग जाएंगे क्या। मुझे तो
नहीं पता क्योंकि वो समझा नहीं पा रहे थे ठीक से। समझनी पड़ेगी ना, शोरूम से लेते तो वो हमें अच्छे से गाइड, वो अच्छे से गाइड करता, लेकिन यार फिर भी ठीक है। दरअसल बात ये है कि हमने लिए लोकल से, लोकल में जहाँ पे लाड का माल आता है ना, ये हमने वहाँ से लिए, काफी अच्छे प्राइस पे हमें मिल गई। तो डेफिनेटली मैंने ठीक है यहाँ से ले लो भाई, यहाँ से लो या वहाँ से लो, बात तो एक ही है, चीज तो एक ही मिल रही है हमें। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे हेवी में है, काफी अच्छे प्राइस रेट पे हमें मिल गई। तो ये 750 वॉट में जो हमने वहाँ कन्फर्म की थी वहाँ पर 7,500 रुपए की थी, और यहाँ पर हमें मिली है सिर्फ 3,000 रुपए में। और आपके सामने पूरा अनबॉक्सिंग किया है, मतलब पूरा डब्बा पैक है, तो यूज करने के बाद पता लगेगा क्या पोजीशन है। देखो यार कितना सामान हो गया, 72 सामान का है ये पूरा। क्या हो गया? 21। अरे भैया 21 नहीं है, काउंटिंग कर लो तुम, उसने मुझे खुद बोला है। मुझे नहीं पता, अपने आप रख लो इसको। तो फिलहाल तो कुछ ये है हमारा पूरा मिक्सर का सामान, जो कि अभी फिलहाल हमने अनबॉक्सिंग करके दिखाया। बिना मिक्सर के हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ना तो हमें शेक मिल पा रहा था और ना ही हमारे घर में कोई चटनी है, बाहर से मंगवानी पड़ रही थी, ये प्रॉब्लम हो रही थी। मगर अब फाइनली हम अपने घर पे कर सकते हैं। मिक्सर हमारे घर पे था, मुस्कान के दहेज में आया हुआ था, मगर फिलहाल वो पता नहीं कैसा डुप्लीकेट था, वो फूक गया। जी हाँ, उसमें आग लग गई थी, धड़ 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 धड़, बड़ी खतरनाक वाली आग लगी, बूम बड़ाक बूम, ऐसे बोला। तो हमने कोई रिक्स नहीं लिया, हमने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, नया ले आते हैं। तो अब फाइनली नया ले आए, जो कि हमारे लिए काफी कंफर्टेबल है, बाकी यूज करने के बाद पता लगेगा मैं कैसी, क्या मस्त ठंडी वाली हवा आ रही है यार। ये होता है मस्त फायदा फोर्थ फ्लोर पे रहने का, बादल तो नहीं है मगर हवा बहुत तेज चल रही है। तो अभी तो अच्छा लग रहा है, आज सैटरडे है और सैटरडे में मैं जाऊंगा पुरानी दिल्ली, साथ में मुझे जाना है संडे चोर बाजार। क्या क्या लेके आना वहां से तुम्हारे लिए? कुछ नहीं लाना, चलो कुछ लाते हो तुम ढंग का? नहीं लेके आऊंगा मैं यार, मैं ना ज्यादा खरीदता नहीं देखो सामान, मैं सिंपल सी बताऊँ वहाँ से, मैं सिर्फ वो लेता हूँ छोटी मोटी चीज जो मुझे अच्छी लग गई वो ले लेता हूँ मैं ये नहीं देखता कि नई पुरानी है, चीज अच्छी होनी चाहिए अपने लिए पूरी कंफर्टेबल। तो अभी तो फिलहाल बड़ी एक कंफ्यूजन चल रही है, थंबनेल के लिए फोटो ले लो। तो बस अभी टाइम हो चुका है 9:00 का, और मैं यहाँ से निकलूंगा 10 से 10:30। अभी मुझे 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में मुझे व्लॉग एडिटिंग करके सुबह 8:00 के शेड्यूल पर रखना पड़ेगा। तो सारे बाल बाल खराब हो रखे हैं यार, मामाअर्थ ने हमारे साथ में बहुत बड़ा कांड किया, और वो कांड ये है कि मामाअर्थ की वेबसाइट से हमने शैम्पू और साथ में फेस वॉश, ऑनियन, हेयर ऑयल, ये सब चीजें हमने बुक कर रखी थी, तो हमें डिस्काउंट मिल रही थी। मामाअर्थ की वेबसाइट पर पता नहीं क्या हुआ, ऑर्डर अभी तक हमारे पास ना पहुंचा ही नहीं, वो कह रहा है कि ऑर्डर वहां से कैंसिल हो गया। समझ नहीं आ रहा यार, अगर अमेजोन से मंगवाते तो वो तो हमें हैंड टू हैंड ला के दे देगा, मगर सबसे बढ़िया अमेजोन की सर्विस। अरे यार ये उसके लिए है, जैसे गिर गिरा जाए उसके चटनी वटनी गिर जाए उसके लिए, उठा लो नहीं। अरे हाँ उसको हम मिक्सिंग करने के लिए जार में, जैसे कोई फंस जाता है ना हल्का फुल्का, यूज के लिए बढ़िया है, बढ़िया लगी, सेटिस्फाइंग। देखो मैं सेटिस्फाई तब हूँ जब यूज करने के बाद जब अच्छे से होगा ना, चटनी वटनी खाने को मिलेगी, शेक मिलेगा रोज रोज, तब मजा आएगा। और आगे ठंड आ रही है और मजा आएगा शेक पीने में। फाइनली गाइस अभी समय हो चला है 9:00 का, 10:00 मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरे पास बाकी 1 घंटा, 1 घंटे में मुझे करना होगा व्लॉग एडिट, सुबह के शेड्यूल पर मुझे सेट करके यहीं से जाना पड़ेगा, ताकि मुझे व्लॉग आप तक पहुंचाने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये वाला व्लॉग कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में लिख के हमें जल्दी से बताना। फिलहाल आप करते हैं सारे व्लॉग की यहीं पर समाप्त, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, जो करना हो मर्जी है कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, कैसे सुन बैक।